लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। विद्युत तारों से निकली चिंगारी ने मचाया तांडव। देखते ही देखते 25 बीघा खड़ी गेहूं की फसल हुई राख। सीमा विवाद में समय से नहीं मिली फायर ब्रिगेड की मदद। जी हाँ, ग्रामीणों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। जब गेहूं की फसल पककर तैयार होती है तब तब मामूली घटनाएं विकराल रूप ले लेती हैं और लोगों को तिल तिल मरने के लिए विवश कर देती हैं। एक ऐसा ही मामला करहल थाना क्षेत्र के ग्राम नगला धर्म व अतिराजपुर के बीच खेतों में देखने को मिला, जहां आज दोपहर अचानक खेतों में खड़े विद्युत पुल से निकली चिंगारी ने ऐसा कोहरा मचाया कि खेतों में खड़ी गेहूं की पकी फसल पल भर में देखते ही देखते आग की भेंट चढ़ गई। बचाव के लिए आसपास के गांव के लोग और ग्रामीण दौड़ पड़े, लेकिन संसाधनों के अभाव में ग्रामीण अपनी फसल को जलता देख बेहोश हो रहे थे। वह असहाय नजर आ रहे थे। बचाव में लोग घंटों मशक्कत करते रहे। फायर ब्रिगेड व 100 नंबर को सूचना दी गई, लेकिन सीमा विवाद बताकर ग्रामीणों को घंटों मदद नहीं मिली। लेकिन तब तब लगभग 30 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो चुकी थी। आखिरकार घंटों बीत जाने के बाद भी फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जिसको लेकर ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड की कार्यप्रणाली पर खासी नाराजगी जाहिर की। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर भी पहुंचकर हालात का जायजा लिया, जो कि इसी सूचना के तहत हमें रास्ता भी बताई गई। उसी रास्ते से हम आए पैरामेडिकल होते हुए, तो रास्ता हमें गलत बताई गई, तो डिले हो गया। अच्छा, लगभग कितना नुकसान है, क्या है आपने मौके पर? नुकसान तो यहाँ बताए अनुसार बताए हैं 25-30 बीघा कारण है जल गई है फसल। यहाँ आग की सूचना मुझे मिली तब मैंने इनको फोन किया, पहले फोन लगा जाके इटावा, तो इटावा फोन किया तो वहाँ उन्होंने कहा हम इटावा से बोल रहे भैया मैनपुरी का, फिर उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैनपुरी का नंबर दिया तो इतनी काफी देर हो चुकी थी। तब तक यहाँ 6 गांव के लोग हजारों की संख्या में आ चुके और उन्होंने आग पे काबू पाया। काफी महिलाएं बच्चे पुरुष जितने भी थे। क्या लगता है आपको प्रशासन ने सही समय पे मदद नहीं दी? बहुत लापरवाही की, जरूरत से ज्यादा लापरवाही की। अब तक कम से कम बहुत समय लगा लिया उन्हें, गाड़ी आने में बहुत समय लगा, तब तक हम लोगों ने बजा ली थी। अच्छा, क्या लगता है कि प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय नहीं है? पूरी सक्रिय नहीं है, पूरी तरह बहुत लापरवाही है सर। आपके अपने शहर फिरोजाबाद में बेहतर सुविधाओं के साथ आपका अपना डॉक्टर दयानंद जैन मेमोरियल हॉस्पिटल। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। सभी प्रकार के रोगों के लिए काय चिकित्सक द्वारा परामर्श उपलब्ध, फोन द्वारा रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध, ऑपरेशन सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा, गर्भपात की सुविधा, कॉल्पोस्कोपी, फ्रीडम 5, कॉपर टी की सुविधा, नेबुलाइजर की सुविधा, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, हिस्टेरेक्टमी सुविधा आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। डॉक्टर बीना जैन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, पूर्व मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, डॉक्टर शिखा जैन, पता जैन नगर फिरोजाबाद, कॉन्टैक्ट नंबर 8439827781। Extraordinarily, but we teach ordinary things extraordinarily well.